हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन वीविंग होम। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे तो वो सर्दियों में भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो लेकिन गर्मियों के लिए तो मस्ट हैव प्रोडक्ट, यानी कि हमारे सनस्क्रीन्स। तो चलिए हम आज सनस्क्रीन के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सनस्क्रीन लगाना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, जो कि सन से आने वाली यूवी ए एंड यूवी बी से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए, हमें जो भी हमारे एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स हैं, यानी कि हमारा फेस, नेक, हैंड्स, आर्म्स, लेग्स, फीट, सब कुछ जो बॉडी पार्ट्स आपके एक्सपोज हो रहे हैं, आपको वो वहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट हैव है। वहाँ पे तो आपको लगाना ही चाहिए। सनस्क्रीन सिलेक्ट करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उसके अकॉर्डिंग सनस्क्रीन सिलेक्ट करिए, अगर ड्राई स्किन है तो जिसमें थोड़ा मॉइस्चराइजर होता है वो वाला सनस्क्रीन आपको ट्राई करना चाहिए। और SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर हमें हमेशा चेक करना चाहिए, कम से कम भी 30 या 40, इससे कम तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा आजकल धूप है ना, इतनी ज़्यादा उसमें से रेज आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ चुकी है, ओजोन लेयर सब खत्म हो चुकी है, तो उसमें से डायरेक्टली सन रेज आ ही रही है, तो आपको कम से कम भी 30-40 SPF तो लेना ही चाहिए। यहाँ पर मेरे पास दो सनस्क्रीन है जो कि मेरे हमेशा से फेवरेट वाले रहे हैं। एक है न्यूट्रोजीना का एंड द सेकेंड वन इज लॉटस वाला। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोजीना की। न्यूट्रोजीना इसमें SPF 50 है, जो कि यूवी ए एंड यूवी बी से हमें प्रोटेक्ट करता है, और इससे जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है एंड वाटरप्रूफ है, जो कि यहाँ पे क्लेम किया गया है एंड डर्माकोलॉजिकली टेस्टेड है ये प्रोडक्ट। आफ्टर दैट इसमें स्पेशली बोला हुआ है कि जब भी आप स्विमिंग करके आते हैं या फिर आप कोई भी ऐसा जो स्वेट वाला काम कर रहे हैं जिसमें आपका पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसके बाद आपको इसे अप्लाई दोबारा से करना ही पड़ेगा। और कब अप्लाई करना है, 15-20 मिनट्स पहले जब आप घर से बाहर निकल रहे हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप घर से बाहर नहीं भी निकल रहे हो और आप घर पर ही हो, तब भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोटस हर्बल के सनस्क्रीन के बारे में। ये 3-in-1 मैट लुक सन ब्लॉक है, जो कि एक सन प्रोटेक्शन तो देता है, स्किन लाइटनिंग भी करता है एंड मैटिफाइंग, मतलब आपका जो फेस है या आपकी जो स्किन है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो उसे एक मैट फिनिश भी देता है। और ये हल्का सा टिंटेड है, मीन्स अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो एंड आपको ज़्यादा कवरेज की नीड नहीं है, आप फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना चाहते, तो उस टाइम पे आपको एक थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने फेस पे अप्लाई करिए, उसके बाद आप इस सनस्क्रीन को लगा दीजिए, तो ऐसा ही लगेगा कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है। मीन्स जरा सा ये टिंटेड है, इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन मिक्स्ड है। लेकिन अगर हम न्यूट्रोजीना वाले की बात करें तो उसमें कोई मैटिफाइंग जो लुक है वो नहीं आती है। अब हम बात करते हैं कि हमें सनस्क्रीन कब कब अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप घर पे हैं तब भी अप्लाई करिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं तब भी अप्लाई करिए, और 15 से 20 मिनट पहले आपको अप्लाई करना चाहिए, ताकि जो इसकी लेयर हमने लगाई है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि एब्जॉर्ब होगी तभी वो हमें सन प्रोटेक्शन अच्छे से दे पाएगी। नेक्स्ट थिंग, जब भी आप ऑफिस से आ रहे हैं या फिर आप कहीं से आ रहे हैं, अपने पास इसे कैरी ज़रूर करिए। क्यों? क्योंकि हमें इसे फ्रिक्वेंटली यूज़ करना पड़ता है, 2-3 घंटे बाद हमें इसे रीअप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन से स्किन टाइप के लिए ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, दोनों में से, न्यूट्रोजीना और लोटस वाले में से, एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो आपके लिए ये दोनों मस्ट हैव है, बहुत ही बेस्ट है ये सनस्क्रीन ऑयली स्किन वालों के लिए। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप और भी सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हैं। लैक्मे का आता है,
और VLCC के बहुत अच्छे अच्छे सनस्क्रीन अवेलेबल हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप यही वाले ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाने से पहले मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए ताकि आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड रहे। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके उसके बाद आप इसे अप्लाई करिए। एंड येस, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो डायरेक्टली आप ये फाउंडेशन ना लगाएं, ये जो सनस्क्रीन है इसे अप्लाई ना करें। आप पहले थोड़ी सी एलोवेरा जेल लगा लीजिए ताकि एक प्राइमर जैसी उस पर फिनिश आ जाए, एंड उसके बाद आप अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे आपका सनस्क्रीन ज़्यादा टाइम तक भी टिका रहे। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो सनस्क्रीन के ऊपर कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए, क्यों अप्लाई करना चाहिए, कौन सा सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, जो सनस्क्रीन आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए बेनिफिट देता है, आप उसी सनस्क्रीन को अप्लाई करिए। लेकिन आप सनस्क्रीन अप्लाई ज़रूर करिए क्योंकि ये हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। तो आपको भी ट्राई ज़रूर करना चाहिए, अगर अभी तक आपने नहीं सनस्क्रीन ट्राई किया तो करिए, एंड जो लोग करते हैं बेस्ट है आपके लिए। तो यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। एंड यस, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड यस, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। एंड यस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।